हेलो एंड नमस्ते एवरीवन सो लेट्स स्टार्ट विद इम्पोर्टेंट गवर्नर्स ऑफ राजस्थान राजस्थान पॉलिटी का ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए वीडियो अपलोड किए है क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है सो आई थिंक दैट फॉर अ चेंज लेट्स स्टार्ट राजस्थान पॉलिटी आल्सो इस मंथ के अंदर कोशिश रहेगी नवम्बर में हिस्ट्री एंड पॉलिटी कंप्लीट हो जाए क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स आ रहे हैं चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो या फिर आर एस का एग्ज़ाम हो सी का भी हुआ ही है वी भी है पटवार भी है तो राजस्थान में बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं सो so, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी राजस्थान हिस्ट्री एंड पॉलिटी राजस्थान हिस्ट्री भी हमने बड़ी ऑथेंटिक बुक से कवर की है राजस्थान पॉलिटी के आप ये नोट्स देखेंगे तो आपको बड़े ही अच्छे लगेंगे बहुत ही स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलरली जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि कौन 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 से गवर्नर हैं जिनकी पद पर रहते हुए डेथ हो गई तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं तो ये आपको डायरेक्टली इस वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे एंड कोशिश आपको इसके साथ साथ ये करनी है कि आप पी वाई क्यू ज़रूर प्रैक्टिस करें एंड एम सी क्यूज की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़्यादा करें क्योंकि इनको आप प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में आपको बिल्कुल भी लेज़ीनेस या कुताही नहीं बरतनी है सो so, मैंने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स ही ओपन कर लिया है पेज इसके बाद हम गवर्नर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्योंकि बहुत ही एम जो हैं वो बड़े पर्टिकुलरली नेम से रिलेट करके पूछे जाते हैं राजस्थान जी के अंदर चलिए सो लेट्स स्टार्ट सो गुरुमुख निहाल सिंह सबसे पहले गवर्नर और जिन्होंने सम सबसे लंबे समय तक सर्व किया तो ऐसे याद कर सकते हैं कि इन्होंने तो निहाल ही कर दिया कितने लंबे समय तक सर्व किया ठीक है पहली फीमेल गवर्नर सबको याद रहती है प्रतिभा पाटिल कौन से ऐसे गवर्नर्स हैं जिनकी पद पर रहते हुए डेथ हो गई तो दरबार सिंह निर्मल चंद जैन शैलेंद्र कुमार सिंह एंड प्रभा राव तो इसको आप याद कर लीजिए एन फिर डी तो डी से डी से हो जाएगा दरबार सिंह एस से हो जाएगा शैलेंद्र कुमार सिंह एंड पी से हो जाएगा प्रभा राव एन से हो जाएगा निर्मल चंद जैन जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो उस टाइम पे सब कुछ जो होता है वो एक तरीके से प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है वैसे तो प्रेसिडेंट को भी हम ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट के भी हाथ में कुछ नहीं होता बट स्टिल प्रेसिडेंट रूल मींस कि नाउ एवरी डिसीजन एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय प्रेसिडेंट और अंडर द हैंड्स ऑफ द अंडर द हैंड एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट सो उस टाइम पे कौन कौन गवर्नर्स थे डॉक्टर सम्पूर्ण सम्पूर्ण आनंद सरदार हुकुम सिंह डॉक्टर एम चेना रेड्डी एंड बलिराम भगत तो इसका ट्रिक जो आपको किसी को पता हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए ताकि हमें भी याद हो जाए है ना और अगर मैं ट्रिक इसकी बनाऊँ तो देखिए संपूर्ण आनंद है जो ये है कि तो देखो हो सकता है मेरी ट्रिक आपको थोड़ी सी फनी लगे लेकिन फिर भी मैं आपके साथ चलो शेयर कर ही देती हूँ और ना पब्लिक प्लेटफॉर्म तो देखिए मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि सुग्रीव और बाली आपको याद होंगे रामायण में सबने देखे होंगे तो बाली जो हैं बाली के ऊपर ऐसा हुक्म चलाया था सुग्रीव ने कि उनका चैन वगैरह सब छीन लिया और खुद रहा संपूर्ण आनंद के अंदर तो मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है ठीक है आपको ठीक लगे तो आप कर लेना वरना आप अपनी भी ट्रिक ज़रूर शेयर करें तो अलग अलग तरीका है याद करने का चलिए 1975 सेवेंटी इमरजेंसी के टाइम पर चीफ मिनिस्टर कौन थे हरिदेव जोशी तो ये चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे आ गया कोई बात नहीं स्टिल तो हरी हरी करते रहे है ना इमरजेंसी लगी हुई है हरी हरी करते रहे तो इस तरीके से याद कर लीजिए उस टाइम पे गवर्नर कौन थे गवर्नर थे जोगेंद्र सिंह तो जोगेंद्र सिंह जो थे वो वो ये नाम आप याद रख लेना सरदार जोगेंद्र सिंह इसकी कोई ट्रिक हो तो बताइएगा सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स ऑफ राजस्थान अब एक की फैक्ट्स और देखेंगे हम कुछ गवर्नर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस भी हेल्ड की हैं जैसे कि कोई लोकसभा के स्पीकर भी रहा है कोई चीफ मिनिस्टर भी रहा है दूसरे स्टेट्स का तो देखो ये दो हैं बाली बलिराम भगत या बलिराम भगत और शिवराज पाटिल तो देखो दोनों में भगवान के नाम है शिव है और बाली है तो बाली और राम से आप याद रहें रखेंगे बाली थे राम थे ठीक है और शिव का राज है तो इस तरीके से आप दोनों भगवान के नाम हैं जो कि लोकसभा के स्पीकर भी रहे तो इन्होंने जो बोल दिया वही माना जाएगा सो लाइक दैट चीफ मिनिस्टर कौन है जो राजस्थान के मतलब गवर्नर भी थे और चीफ मिनिस्टर भी रहे तो कल्याण सिंह एंड मदन लाल खुराना तो इसको कैसे याद करोगे करेंगे आप इसको या आप याद कर लीजिए काम से काम आ और ध्यान रख लीजिएगा काम तो का से कल्याण सिंह एम से मदन लाल खुराना देखो ये मेरी ट्रिक है मैं अगेन आपको बोल रही हूँ आपको अपनी ट्रिक जो है वो ठीक लगती है आप वो कर लीजिए मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है तो मैं खुद भी अपनी वीडियो सुनती हूँ इसलिए मैं थोड़ा शेयर कर देती हूँ अगर नॉट ऑफेंडेड कि आपको अगर ठीक लगता है तो आप इस ट्रिक से याद करिए वरना अगर आपको वैसे याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है पहली फीमेल गवर्नर प्रतिभा पाटिल सबसे कम सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे अभी देखो मैंने आपको बताया था गुरुमुख निहाल सिंह सबसे कम समय के लिए टी वी राजेश्वर तो टी वी थोड़े समय के लिए देखना चाहिए तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा बर्ड इन अ गोल्ड केज सरोजिनी नायडू ये कहती हैं कि गवर्नर एक सोने के पिंजरे में जो चिड़िया है इस तरीके से यानी कि पावरलेस एक तरीके से बताया है सरोजिनी नायडू ने गवर्नर को कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स गवर्नर से रिलेटेड ठीक है तो पहले ये पढ़ेंगे फिर हम इसके अंदर कुछ और नोटेबल गवर्नर्स पढ़ेंगे मतलब मैं थोड़ा राजस्थान जी के राजस्थान एग्जाम्स के अंदर जो स्पेसिफिक पूछे जाते हैं वो पहले डिस्कस कर रही हूँ फिर गवर्नर क्या होते हैं ये सब भी हम डिस्कस करेंगे तो देखिए ये हैं आपके आर्टिकल्स आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं पेपर के अंदर आर्टिकल वन से आपको स्टार्ट करना है ठीक है अब आप फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ तक आ जाइए नाइन तक ठीक है कैसे करना है आपको पी ई ए टी पीट एक वो होता है ना टाइप ऑफ लिगनाइट पीट ठीक है तो इस वो वाला पीट है ये यानी कि आयरन ओर का जो टाइप होता है तो पीट से पी से आपको याद रखना है प्रोविजन ऑफ गवर्नर ई से उनकी एग्जीक्यूटिव पावर ए से उनका अपॉइंटमेंट टी से उनका टर्म ठीक है तो पीट तो अब आप अब याद कर लो कि पीटा गया किसी को ठीक है फिर आपने पूछा क्यों तो क्यों मतलब क्वालिफिकेशन ठीक है किसने पीटा कॉप ने पीटा कॉप ने, ने ठीक है या आप ऐसे याद कर लिए कॉप जी ने पीटा कॉप मतलब पुलिस जो पुलिस जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कॉप बोलते हैं तो कॉप जी ने पीटा तो सी मतलब कंडीशंस ऑफ ऑफिस फिफ्टी नाइन मीन्स ओथ ऑफ ऑफिस पी मिस पावर ऑफ पार्डन एंड जी इज़ गवर्नर्स डिस्क्रिप्शनरी पावर ऑफ़ फिफ्टी नाइन के बाद सिक्सटी गायब हो जाएगा सिक्सटी टू गायब हो जाएगा अगेन ट्रिक में आपको लगता है ठीक तो आप करिए क्योंकि कई बार देखो ऐसा होता है बहुत सारे आर्टिकल्स हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं कभी कभी ये ट्रिक्स काम आ जाती हैं पेपर के टाइम पर सो ये ध्यान रखना है आपको लास्ट में पावर पावर टू इशू ऑर्डर कि क्यों पीटा गया क्योंकि भाई ही इज़ पावरफुल सो पावर है उनके पास तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं लास्ट में ध्यान रखना फिफ्टी नाइन के बाद सीधा सिक्सटी वन पे जंप करना है देन सिक्सटी थ्री देन टू वन थ्री सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर ये कुछ कमेटीज़ हैं जो कि गवर्नर के रोल के लिए बनाई गई थी कि गवर्नर का रोल ठीक है या नहीं है जैसे कि फर्स्ट ए आर सी आई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन फिर राजमार कमेटी आई देन भगवान सहाय कमेटी आई जम्मू कश्मीर की देन सरकारिया कमीशन आई देन वेंकेट चलैया कमीशन आई एंड देन पुंछी कमीशन आई इन सब के बारे में बहुत डिटेल में आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा इसके बारे में तो शायद नहीं मिलेगा नाइनटीन और टू के बारे में बट बाकी सबके बारे में आपको फुल डिटेल मिलेगी अब आ जाते हैं दोबारा से नोटेबल गवर्नर्स ऑफ राजस्थान तो ये तो आई थिंक अभी हमने कर रहा ही है इसके अंदर एक दो पॉइंट हैं जो कि नए हैं ये आपको पता ही है सबसे लंबे समय और पहले गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह पहली फीमेल गवर्नर प्रतिभा पाटिल एन डी एस पी एन से निर्मल चंद डी से दरबार सिंह एस से शैलेंद्र कुमार सिंह पी से राव जिनकी ऑफिस में रहते हुए डेथ हो गई ये बाली जो थे उनका चैन छीन लिया था क्योंकि सुग्रीव ने उनको ऐसा हुक्म दिया कि वो खुद आनंद में रहे तो ये वो गवर्नर्स हैं जो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे भी जिन्होंने सर्व किया अब देखिए ये चीफ मिनिस्टर कौन कौन थे चीफ मिनिस्टर का इसके अंदर ही आ जाता है लेकिन कोई नहीं वी आर कवरिंग द होल पेजेस एक्चुअली देर आर टी फोर पेजेस इन दस पी सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे तो इसके अंदर अगर लिखा है तो हम कुछ भी छोड़ते नहीं है कर ही लेते हैं चीफ मिनिस्टर के के अंदर भी आएंगे लेकिन स्टिल वी विल डू इट तो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे कौन कौन चीफ मिनिस्टर रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया रघुकुल तिलक हरिदेव जोशी एंड भैरव सिंह शेखावत तो ये आपको याद रखना है देखो कैसे याद रखोगे भैरव सिंह जो हैं भैरव बाबा आप उनसे याद रखिए हरिदेव जो है वो भी भगवान का ही नाम है रघुकुल रघुकुल भी आप रामायण से रिलेट कर सकते हैं मोहनलाल सुखाड़िया सुख जो है जो राम का नाम जपेगा वो सुख पाएगा तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं तो भैरव सिंह भैरव बाबा को याद करिए हरि को याद करिए रघु को याद करिए तो आपको सुखी सुख मिलेगा तो इस तरीके से याद कर लीजिए है ना जो भी आपको ट्रिक लगता है अगर ट्रिक ठीक लगती हैं तो आप फॉलो करिए मैंने कई बार ये बात बोल दी है वो आप भी बोर हो रहे होंगे मेरी बात सुन सुन के चलिए सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके राजस्थान स्पेसिफिक होते हैं अब इस पर भी आ जाते हैं वो गवर्नर जिन्होंने हाई ऑफिसज भी हेल्ड किए हैं अभी भी हमने कुछ पढ़े थे कुछ और भी पढ़ते हैं जैसे कि कलराज मिश्र एंड मारगेट एलवा ये फॉर्मर मेंबर्स रहे हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के कलराज मिश्र एंड मार्गरेट एलवा फिर इसके बाद स्पीकर दो देखो स्पीकर मैंने आपको बोला कि शिव का राज बलीराम दोनों भगवान के नाम हैं एंड हुकुम सिंह भी, भी ये स्पीकर रहे हैं लोकसभा के प्रतिभा पाटिल डेप्यूटी चेयरपर्सन भी रही हैं राज्यसभा की दरबार सिंह स्पीकर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के ठीक है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है तो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रहे हैं और जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं दूसरे जगह के तो वो कौन कौन है कल्याण सिंह मदन लाल खुराना एम चेना रेड्डी वसंत दादा पाटिल संपूर्ण आनंद एंड गुरुमुख निहाल सिंह तो देखो इनको याद करने की ट्रिक तो आपको बनानी पड़ेगी चलो इसकी ट्रिक मैं आपको सौंपती हूँ कि आप बनाइएगा वरना फिर कल मैं बना के लेके आती हूँ ठीक है तो आप बनाने की कोशिश करिए वो गवर्नर जिनका जुडिशियल बैकग्राउंड है तो गवर्न जजेस जो कि एक्टिंग गवर्नर जो कि रहे हैं तो देखिए ये तो मुझे याद रहेंगे वेदपाल त्यागी बिकॉज माय नेम इज़ आल्सो अनुराधा त्यागी सो वेदपाल त्यागी याद रहेंगे एंड नवरंग लाल तिब्बरेवाल या टिब्बरेवाल मिलाप चंद सिंह एंड स्वरूप सिंह तो ये आपको ध्यान रखने हैं ये आप कैसे याद करेंगे इसकी तो ट्रिक्स आप बनाइएगा ठीक है इनकी ट्रिक आप बनाइएगा गवर्नर्स होल्डिंग अदर हाई ऑफिस तो आप अपने व्हाट्सएप वाले जो चैनल है उसके अंदर भी शेयर कर सकते हैं अपना व्हाट्सएप चैनल है अनुराधा त्यागी क्लासेस आप वो सर्च करिए एंड आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अभी हमने रिसेंटली वो ओपन किया है गवर्नर्स होल्डिंग अदर हाई ऑफिस का आप उसके अंदर शेयर करिएगा चलिए गवर्नर विद जुडिशियल बैकग्राउंड्स तो चलो इसको वी एम एस एन तो आपके यहाँ तो देखो पता नहीं मैं तो एक्चुअली में आई एम फ्रॉम फरीदाबाद लेकिन अभी रहते हम बीकानेर में हैं। अपने वहाँ पे स्कूल होते हैं एम वी एन मॉडर्न विद्या निकेतन ठीक है तो एम से है मिलाप वी से है वेदपाल एम से है एन से है नवरंग एंड एस से है स्वरूप तो एम वी एन एम वी एंस बोलते हैं उनको जैसे जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो उनको बोल देते हैं एम वी एंस ठीक है जैसे यहाँ पे आर एस वी को के बच्चों को बोल देते हैं आर एस वींस तो एम वी एंस तो एम से हो गया मिलाप चंद जैन वी से वेदपाल एन से नवरंग लाल टिब्रेवाल एंड एस से स्वरूप सिंह एक्चुअली अगेन एम टेलिंग यू ट्रिक्स क्या होते हैं कभी कभी पेपर में स्ट्राइक कर जाती हैं तो इसलिए कुछ गवर्नर्स तो ये मैंने बोला टीवी जो है वो हमें काफ़ी कम समय के लिए देखना चाहिए तो टीवी राजेश्वर शॉर्ट इंड योर कुछ डिस्क्रिप्शनस दिया है सरोजिनी नायडू ने तो कहा है कि गवर्नर एक सोने की पिंजरे में चिड़िया है विजय लक्ष्मी पंडित इनको कहते हैं कि बस सैलरी का चाम है तो लक्ष्मी इज रिलेटेड टू सैलरी पट्टा भी गवर्नर को गेस्ट हॉस्पिटेबल बोलते हैं कि भई गेस्ट का आदर सत्कार करिए मैरगेरेट टलवा इसको सरदर्द कहती हैं तो मैरगेट अलवा सो याद कर लीजिए कि थोड़ा सा फॉर्नर रेम है सो उनको हेडेक हो गया बट अभी सीतारामैया तो सीताराम जो हैं वो सीताराम जो हैं वो इस तरीके से बोलते हैं कि गेस्ट जो हैं तो उन्होंने गेस्ट का ऑनर ही किया था एक तरीके से जब रावण सीता को लेने के लिए आया था बट साधु के भेष में आया था लेकिन उसने छल कपट किया तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा सो दिस वॉज द लर्निंग जो की फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है ये देखिए अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से आ गए वन फिफ्टी थ्री से चलना है कहाँ तक जाना है वन फिफ्टी नाइन तक जाना है फिर वन सिक्सटी वन वन सिक्सटी थ्री फिर टू वन थ्री कैसे याद कराया पीठ तो पीठ क्यों पीठ तो क्यों ठीक है किसने पीटा कॉप जी ने पीटा क्यों पीटा क्योंकि -क्यों उनके पास पावर्स हैं पी से क्या हो गया प्रोविजंस फॉर गवर्नर्स ई से क्या हो गया उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स ए से क्या हो गया उनकी अपॉइंटमेंट टी से टेन्योर ठीक है क्यू से क्वालिफिकेशन सी से उनकी कंडीशंस ओ से ओथ पी से पावर ऑफ पार्डन जी से डिस्क्रिशनरी uh, पावर्स ठीक है जी से अपना डिस्क्रिशनरी पावर्स है ना हाँ ये थोड़ा सा आई थिंक उल्टा हो गया है सी ओ पी हाँ कॉप जी तो जी से है गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर्स एंड टू वन थ्री में पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस देन गवर्नर रोल की इम्पोर्टेंट ये कमिटीज मैंने अभी भी आपको बताई थी 1975 के टाइम पे हरी हरी करते रहे इमरजेंसी हुई और जोगेंद्र सिंह जो थे वो गवर्नर थे अच्छा कुछ ऐसे गवर्नर जिन्होंने अपने टर्म से पहले ही रिज़ाइन कर दिया तो ये भी नाम आपको तीन ध्यान रखने हैं दरबार सिंह मदन लाल खुराना एंड प्रतिभा पाटिल ठीक है तो इसको याद करना पड़ेगा इसको याद कर लीजिएगा इसकी डी एम पी डी एम नहीं ये नहीं बन पाएगी दूसरी देखेंगे चलिए कुछ ऐसे लोग जिनकी कुछ प्रेस्टिजियस पोजीशंस भी रही हैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं तो देखो जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में या जुडिशरी में रहे वो थे कलराज मिश्र मैर्गरेट एल्वा बलीराम भगत एंड प्रतिभा पाटिल फॉर्मर स्पीकर्स रह चुके हैं ये हमने ऑलरेडी कर लिया प्रतिभा पाटिल डिप्यूटी चेयरपर्सन रह चुके हैं राज्यसभा की सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लर्निंग फैक्ट्स है जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे सो एट्टी फोर पेजेज़ हैं टू पेजेस तो हमने कवर कर भी लिए हैं अब आइए मैं थोड़ा सा आपको गवर्नर के बारे में पढ़ा भी देती हूँ तो देखिए गवर्नर जो होता है आ, यहाँ पे जो गवर्नर है पहले इसको राज प्रमुख कहा जाता था इस पोस्ट को नाइनटीन फिफ्टी सिक्स तक वन फिफ्टी थ्री में गवर्नर की पोस्ट के बारे में पीट आपको याद होगा पी एंड फिर वन फिफ्टी सेवन पर आ जाता है क्यू तो क्यों मतलब कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है क्वालिफ़िकेशन प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या है सॉरी गवर्नर बनने के लिए क्या क्या है एक तो वो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए राजस्थान के नहीं इंडिया के थर्टी फाइव ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए कोई उनके पास ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस ना हो मतलब ऑफिस ना हो प्रॉफिट का ना तो उनके पास पार्लियामेंट में सीट हो ना स्टेट लेजिस्लेचर में और कोई भी प्रॉफिट बियरिंग गवर्नमेंट पोजीशन उनकी नहीं होनी चाहिए कौन इनको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट इनकी मतलब सिलेक्ट गवर्नमेंट करती है एंड इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं एज पर द आर्टिकल 155 ठीक है तो ए से अपॉइंटमेंट ही था पी ई ए टी तो ए से अपॉइंटमेंट एंड 155 अच्छा ओथ ऑफ ऑफिस मतलब ये कौन देखेंगे तो चीफ जस्टिस देखेंगे हाई कोर्ट के या फिर सीनियर मोस्ट जज देखेंगे मतलब जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो इनको आ, मतलब के शपथ वगैरह दिलाते हैं एंड ये ओथ लेते हैं कि हम प्रिजर्व करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे एंड डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइव ईयर्स इनका टर्म होता है वन में ये लिखा है कि इनका टर्म क्या रहेगा यानी कि गवर्नर जो होता है वो प्रेजिडेंट के प्लेजर पर काम करता है यानी कि कभी भी इनको रिमूव किया जा सकता है कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सैलरी यहाँ पे थ्री पॉइंट फाइव लैख पर मंथ है लेकिन ये थोड़ा चेंज होती रहती है इनकी पावर्स क्या क्या हैं तो देखिए चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना ए को अपॉइंट करना एडवोकेट जनरल को आर के चेयरमैन और मेम्बर्स को अपॉइंट करना वाइस चांसलर्स को लोकायुक्त वाइस चांसलर जो कॉलेज के प्रोफेसर्स के ऊपर जो होते हैं वाइस चांसलर्स लोकायुक्त को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को ह्यूमन राइट्स कमीशन मेंबर्स को ये अपॉइंट करते हैं है ना तो ये आपको ध्यान रखना है देखो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स याद रहते हैं आर के एग्ज़ाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आर का भी आप याद रखिए कि इसके चेयरमैन को गवर्नर ने अपॉइंट किया एडवोकेट जनरल को भी या। याद वाइस चांसलर याद रहता है सबको लोकायुक्त याद रहता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स मेंबर्स लिखा हुआ है इनको भी गवर्नर अपॉइंट करता है ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए और वही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे जो इन्हें शपथ दिलाएंगे रूल्स बनाते हैं ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और कहीं कहीं पर ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में झारखंड में एंड उड़ीसा के अंदर स्टेट लेजिस असेंबली को ये समन कर सकते हैं प्रोरो कर सकते हैं अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसके वन सिक्स मेम्बर को नॉमिनेट करते हैं बिल्स को हामी ये देते हैं ऑर्डिनेंसेज़ ये इशू करते हैं जिसकी मैक्सिमम वैलिडिटी छः महीने सिक्स वीक्स होती है रिपोर्ट देते हैं ये फाइनेंस कमीशन की आर की एंड कैग की कहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स uh, देते हैं ये कहाँ पर देते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में कि कैसा काम कर रहे हैं मनी बिल को ग्रांट देना स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना ये इनकी फाइनेंशियल पावर है जुडिशियल पावर क्या है इनकी ये कम्यूट कर सकते हैं रिम्यूट कर सकते हैं रिप्रीव कर सकते हैं पनिशमेंट्स को यानी कि कम समय के लिए करना कोई और सजा दे देना प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं डेथ पेनल्टी एंड कोर्ट मार्शल पावर इनके हाथ में नहीं होती जो कि प्रेजिडेंट के हाथ में होती है डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात करें तो बिल्स ये देते हैं प्रेसिडेंट को अप्रूवल के लिए जो इनको लगता है कि प्रेसिडेंट के पास आने चाहिए अगर इनको लगता है कि प्रेसिडेंट का रूल लगना चाहिए स्टेटमेंट में तो स्टेट में तो ये उसका भी रिकमेंडेशन देते हैं अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती तो ये चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं एंड टाइम से पहले ही स्टेट असेंबली को भी डिज़ोल्व कर सकते हैं नाउ ये कुछ रिकमेंडेशन है सरकार या कमीशन ये कहती है कि गवर्नर स्टेट के बाहर का होना चाहिए जैसे अगर राजस्थान स्टेट है तो राजस्थान का वो निवासी ना हो कहीं और का हो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे उसको अपॉइंट करना चाहिए और फिक्स टेन्योर होना चाहिए यानी कि प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट ना हो लेकिन ये प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट पर ही होते हैं पुंछी कमीशन ये कहते हैं कि इनका जो अपॉइंटमेंट हो तो उसकी एक कमेटी बनाई जाए जिस कमेटी में पी एम लोकसभा के स्पीकर हो, होम मिनिस्टर हों एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर हों तो इनके बेसिस पर इनको डिसाइड किया जाए रिमूवल जो हो वो इम्पीचमेंट के थ्रू हो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर ना हो ठीक है सो तो ये हमने इम्पोर्टेंट गवर्नर्स कर लिए हैं सो गवर्नर आज हमने कंप्लीट कर लिया आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप वीडियो कल हम चीफ मिनिस्टर करेंगे सो फाइव पेजेस हमने कवर कर लिए हैं एंड देयर टोटल एट्टी फोर पेजेस तो इसका जो वीडियो है वो मैं लाती रहूँगी पहले हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट करेंगे एंड इसके साथ साथ बीच में हम ये भी अपलोड करते रहेंगे सो थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ थैंक यू